हमारी गाड़ी में हो चुका है पेट्रोल खत्म और यहाँ पे यजमान दोस्त संजय भाई देखो कैसे धक्का मार के लेके जा रहे और देखो कैसे धक्का मार रहे देखना शकल छिपाएंगे दोनों के दोनों देखना। गुड मॉर्निंग टू फैमिली, वेलकम टू माय व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आयो आप सब बड़े होंगे, घर से आ गए, बज गए 9, अब चलते हैं दूसरे वाले मकान पे, उसके बाद मिलते हैं। और आज मैं इसमें लेके जा रहा हूँ मटर। देखो मैं घर पे आया था, घर पे आने से पहले मैंने तो सारा माल इकट्ठा कर लिया, अब खाना खाते हैं और उसके बाद मिलते हैं। तो गाइस बढ़िया खाना खाते हैं, रोटी और छाछ का तड़का लगा हुआ, और रोटी खाते हैं उसके बाद मिलते हैं। तो गाइस आदित्य इसको कैसे देखो खिलौने दिला रहा है और बोल रहे ऊपर चलो इसकी गाड़ी पे घुमा रहा है, बोल रहे भैया आओ आदित्य, ये देखो भैया देखो ले लो भैया ले लो आबो। भैया आबो भैया लेके जा रहे ऊपर गाड़ी पे, भैया आबो ब्रजेश भैया लड़का कहाँ जा रहे? हाँ आदित्य गाइस बढ़िया घर से नहा धोकर एकदम मस्त आ गए और अब जा रहे दूसरे वाले मकान पे और उसके बाद मिलते हैं, देखते हैं आज क्या करते हैं, क्या होता है लाइफ में। तो देखो कितना बढ़िया मोर जा रहा है यार, मेरे को 3-4 दिन से जाने के मोर ही मोर दिख रहे हैं, जाने को ये देखो कितना प्यारा लग रहा है ना ये मोर, देखो ये आ गया, ये देखो मेरे को 2-3 दिन से मोर ही मोर दिख रहे हैं, भाग रहा है डर रहा है मोर मेरे से, ये देखो 3-4 दिन से मेरे को दिख रहे हैं, ये भाग रहा भागा 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 भाग रहा है भागा 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 वो भाग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है ना। तो गाइस संजय भाई मेरे को बोल रहे हैं इसमें बैठने के लिए, मैं बोल रहा हूँ यार मैं बीच में दब जाऊंगा इसलिए बोल रहा हूँ संजय भाई पहले आप बैठो फिर मैं बैठूंगा, लेकिन संजय भाई बैठो यार, नहीं बैठा यार ये बता दो मैं पतला दुबला ये इसे हट्टा कट्टा मैं दब जाऊंगा बीच में भाई, नहीं बोल रहा हूँ अच्छी लगेगी मैं दबना नहीं चाहिए, मैं इतनी जगह लेके बैठूंगा तू ते में बैठ पीछे भाई दबना नहीं चाहिए, आगे हो जाएगी वो तो कोई बात नहीं है, अरे यार दबा देंगे बीच में। तो गाइस फिर से हम लोग जा रहे हैं और आज देखते हैं कहाँ पे जाते हैं, पहले तो चलते हैं कहाँ पे जाएंगे रे रिको पुलिया के नीचे, फिर वहाँ से एक दोस्त से मिलेंगे, उसके बाद देखते हैं कहाँ पे जाते हैं। जब हम कैसी गाड़ी देख रहे हैं यहाँ पे भाई, बहुत पहले चलती थी ऐसी गाड़ी और आज नहीं, और यहाँ पे बच्चों की छुट्टी हो चुकी है, यहाँ पे सब बच्चे अपने घर पे जा रहे हैं। और तो गाइस हम लोग रोहित भाई की दुकान पे आ चुके हैं और मैं ये वाली हुडी ले रहा हूँ मस्त लग रहा हूँ, एक बार बता देना कमेंट में कौन सी, बहुत सारी हैं, एक येल्लो कलर है लेकिन ये क्या थोड़ा सा इंग्लिश कलर है, थोड़ा अच्छा लग भी रहा है देखने में, मैं भी इसमें अच्छा लग रहा हूँ, तो फिलहाल यही लेते हैं। तो गाइस हमने अपनी गाड़ी पार्किंग कर दी है और यहाँ पे देखो क्या लिख रहा, यानी अपने रिक्स पे पार्किंग करो यार, पार्किंग है नहीं यहाँ पे, सब गाड़ी पार्क कर गए, ये है जैन मंदिर, देखते हैं इसमें अगर टिकट हुई तो नहीं चलेंगे, अगर फ्री में हुआ तो अंदर घूम कर आएंगे, देखते हैं कहाँ तक, अभी तो फिलहाल यहाँ पे पार्किंग ही है, हमने भी गाड़ी पार्क कर दी है और अंदर चलते हैं अगर पूछते हैं और फिर मिलते हैं। भाई देखो कितना मस्त लग रहा है ना जैन मंदिर, तो इसी के अंदर अभी हम जाने वाले हैं, जो मैं आपको दिखाता हूँ फटाफट से, काफ़ी मस्त लग रहा है भाई, कारीगरी इसकी खतरनाक है इस मंदिर की, खतरनाक। तो भाई ये हमारा जैन मंदिर है, ये देखो अंदर का फ़ोटो खींचना अलाउ अलाउ नहीं है, लेकिन मैंने कहा कैसे मेरे को परमिशन लेके ले लिया है, और एक बार मैं भी दिखा दूँ, मैं भी आया था, हम लोग आए और ये काफ़ी अच्छा है, दिखा देता हूँ मैं आपको भी, ये देखो काफ़ी मस्त है, मैं भी फर्स्ट बार आया हूँ इस मंदिर के अंदर, एकदम मस्त है, ये देखो इधर किताबें किताबें रखी हैं और ये मंदिर है, ये है जैन मंदिर, ये देखो। जैन मंदिर यशवंत और वो आए नहीं है, मैं अकेला आया हूँ और वो लोग आ रही हैं, ये देखो फटाफट से दिखा देता हूँ क्योंकि उन्होंने बोला फटाफट से कर लो जो करना है, फिर तो इस वजह से मैं फटाफट से आ गया हूँ और वहाँ पे पुजारी लोग हैं, तो इस वजह से यहीं तक देखते हैं और चलो कोई ना, काफ़ी मस्त लग रहा है, ये देखो तो फाइनली गाइस ये देखो अभी मैं ऊपर आ चुका हूँ मंदिर के, और ये है हमारा जैन मंदिर, हमने अनुमति तो ले ली है, परमिशन लेके ही फोटो खींच रहे हैं क्योंकि फ़ोटो खींचना यहाँ पे अलाउ नहीं है और कुछ भी ऐसा अलाउ नहीं है, तो मैं आपको फटाफट से दिखाता हूँ क्योंकि फालतू में रोड चिल्लाने का फ़ायदा, उन्होंने जितना परमिशन दिया उतना ही लेंगे। ये देखो गाइस कितने मस्त लग रहे हैं ना, ये देखो
भाई बहुत पुराना मंदिर है, बहुत प्राचीन मंदिर है ये, बहुत प्राचीन मंदिर। मैं अभी फर्स्ट टाइम ही आया हूँ। और ये देखो भाई जो इसकी कारीगरी ना भाई, वो पुराने ज़माने में ही जो होती थी खतरनाक ही होती है। ये देखो भाई बहुत हजारों साल पुराने ये पत्थर हैं जिनको मैं आज छू पा रहा हूँ और आपको भी दिखा पा रहा हूँ। ये देखो भाई कितने बड़े बड़े हैं, है ना, काफ़ी प्राचीन है। तो फिलहाल तो मैं जैन मंदिर घुमा रहा हूँ आपको। ये देखो काफ़ी मस्त लग रहे हैं। और यही देखो इसी तरीके से काफ़ी मस्त मंदिर है जैन मंदिर। में फर्स्ट टाइम आया हूँ यहाँ पे। और ये देखो बहुत से लोगों ने यहाँ पे सांगानेर में रहते हैं लेकिन जैन मंदिर नहीं देखा। मैं भी इतने 18-19 साल का हो गया लेकिन आज तक मैंने भी जैन मंदिर कभी नहीं देखा था। जो मैं आज मैं भी फर्स्ट टाइम ही आया हूँ तो जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ ये हमारा जैन मंदिर। ये देखो भाई मैंने कभी इनको छुआ नहीं है तो इन इतने पुराने पुराने पत्थर हैं जिनको आज मैं छू पा रहा हूँ। और ये देखो भाई कितना मस्त बना रखा है इसको, खतरनाक बना रखा है भाई। जो इनकी कारीगरी ना यार वो खतरनाक वाली है भाई, खतरनाक वाली कारीगरी है। ये देखो भाई कारीगरी ना वो इतनी लाजवाब है। ये देखो भाई क्या कारीगरी है। और ये देखो भाई कारीगरी बहुत खतरनाक वाली है यहाँ पे। ये देखो भाई मस्त मस्त कारीगरी है और खतरनाक अच्छे से बनाया है और खतरनाक लग रहा है, एकदम मस्त लग रहे हैं भगवान जी भी। और ये देखो कितना मस्त यहाँ पे पूरा पिंक पिंक बना रखा है। ये देखो पूरा पिंक ही पिंक बना रखा है। ये हम बालकनी में आ गए। ये देखो गाइस ये यहाँ पे इनकी डिटेल्स भी लिख रखी हैं, ये पढ़ लेना जो जो रहते हैं। और ये देखो भाई काफ़ी मस्त लग रहा है जैन मंदिर का, खतरनाक एकदम मस्त लाजवाब बनाए हुए एकदम मस्त तरीके से है, एकदम मस्त लग रहा है। अभी पूरा तो दिखा दिया आपको और अब चलते हैं बाहर, उसके बाद मिलते हैं। ये बाहर से सीन है, बाहर कुछ भी नहीं है सब। तो गाइस ये हमारा जैन मंदिर जो मैं अभी आपको अंदर से भी दिखाया, काफ़ी अच्छा लग रहा है और मैं आपको दिखाता हूँ पूरा। ये देखो गाइस जो अभी मैं आपको दिखा के लाया ये वही जैन मंदिर है, अभी बाहर से आपको दिखा रहा हूँ। ये देखो भाई खतरनाक, अभी वहाँ पे ना उधर से मैं आपको ऊपर से वीडियो दिखा था वो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे यशवंत और संजय भाई खड़े हैं इनकी फ़ोटो खींचने के लिए, तो इनकी फ़ोटो खींचते हैं उसके बाद मिलते हैं। तो भाई अभी हम लोगों ने जयपुर का जैन मंदिर देखा सांगानेर का, और अब हम हमारी गाड़ी लेते हैं और फिर गाड़ी लेके फिर चलते हैं जवाहर सर्किल। तो ये देखो भाई कुछ मस्त लग रहा है, लेकिन कुछ भी देखो दिखाओ एकदम जूम करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। ये देखो भाई वहाँ से स्टार्ट है और ये देखो कितना मस्त एकदम, देखो कितना पुराना है ये देखो भाई पुराना है, इस पर बिल्कुल कोई कुछ छेड़छाड़ नहीं है, बिल्कुल भी इस पर छेड़छाड़ नहीं है। ओनली यहाँ पे ना पुराना पुराना दिखा है इसलिए इस पर कलर करा है और कुछ भी नहीं, यहाँ पे एकदम वही पुराने कारीगरी से। ये देखो वही पुरानी कारीगरी है और कुछ नहीं। और यहाँ पे सब गाड़ी पार्क कर गए, हमारी गाड़ी उधर से आ रही है, उसके बाद मिलते हैं। हमारी गाड़ी में हो चुका है पेट्रोल ख़त्म और यहाँ पे यजमान और संजय भाई देखो कैसे धक्का मार के लेके जा रहे हैं और देखो कैसे धक्का मार रहे हैं, देखना शकल छुपाएंगे दोनों के दोनों, देख रहा है ये देखो शकल छुपा रहे हैं दोनों के दोनों, ये यशवंत नहीं छुपा रहा है, ये संजय छुपा रहा है, इतने से इसकी शकल आई नहीं बिलो ऐसे छुपा रहा है शकल शकल छुपा रहा है। अनिल भाई घूम कर आ गए जैन मंदिर, एकदम मस्त लगा काफ़ी। और भाई 1000 साल पुराना मंदिर है वो भाई, 1000 साल पुराना मंदिर है, 1000 साल पुराने पत्थर को मंदिर को मैंने हाथ भी लगाया, अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा मंदिर है भाई, मस्त देखोगे ना मज़ा आएगा भाई, लाइव में देखोगे ना तो खतरनाक वाला मज़ा आएगा भाई। वीडियो और फोटो बनाने के लिए अलाउ नहीं था लेकिन फिर भी मैंने पूछ लिया, तो फिर उन्होंने बोला चलो ले लो फटाफट ले लो, है ना, क्योंकि फिर और भी लोग देख के लेंगे ना इस वजह से, तो फिर फटाफट से ले लिया और काफ़ी मज़ा आया, आप लोग भी एंजॉय करना, मस्त मज़ा आया यार। तो भाई बढ़िया घर पर आ गए और अब खाना खाते हैं उसके बाद मिलते हैं। तो गाइस बढ़िया खाना खाते हैं, दाल चावल रोटी, और इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा, ब्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी नए ब्लॉग में, अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद, बाय बाय।